नमस्कार स्वागत है आपका मेरा नाम है विपिन बेबाग मैं अपने शेष जीवन का उपयोग महात्मा फूले दंपति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांशीराम और सामाजिक न्याय के लिए मसाल जलाने वाले अन्य अन्य महापुरुषों के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए करूँगा एक दलित आई अफसर आर एस प्रवीण कुमार ने अपने पद से रिजाइन देने के बाद ये महान विचार सोशल मीडिया पर व्यक्त किए प्रवीण कुमार ने मुख्य सचिव सोमेश कुमार को स्वैच्छिक सेनानिवृत्त की मांग करने वाला पत्र सौंपने के बाद अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये बात कही 26 सालों तक एक आईपीएस अधिकारी के रूप में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य को अपनी सेवाएं देने के बाद डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार अब राजनीति में आ रहे हैं हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक अंबेडकरवादी वादी आई अधिकारी आर एस प्रवीण कुमार बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं सूचना यह भी है कि वह तेलंगाना में बसपा को सत्ता में लाने के लिए काम शुरू करेंगे खबर यह भी मिली है कि बसपा प्रमुख बहन मायावती उन्हें तेलंगाना में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं इसकी आधिकारिक घोषणा अगस्त महीने में होने की उम्मीद है आर एस प्रवीण कुमार हाल ही में बहन जी से मुलाकात कर चुके हैं इससे मुलाकात के बाद ही उन्होंने अपने पद से वॉलेंटरी रिटायरमेंट का फैसला किया है 19 जुलाई को उन्होंने इसके संबंध में ट्विटर पर रिटायरमेंट को लेकर सूचना दी थी इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि वे सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम करेंगे जो कि उनका जनून है डॉक्टर प्रवीण उन्नीस सौ बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल एडीजीपी के पद पर थे एक आईपीएस अधिकारी रहने के बावजूद वह लगातार समाज के कमजोर वर्ग की शिक्षा और बेहतरी के लिए सोचते और काम करते रहे उन्होंने नौकरी में रहते हुए अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ समय तक पढ़ाई की जहां से लौटने के बाद साल 2012 में उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से अनुरोध कर तेलंगाना सोशल वेलफेयर एंड रेजिडेंशियल स्कूल के सचिव का पद संभाला जहां समाज के हाशिए पर पड़े दलित आदिवासी समाज के बच्चे अपनी ज़िंदगी बेहतर करने पहुंचते हैं हालांकि जब आर एस प्रवीण ने सचिव का पद संभाला तो रेजिडेंशियल स्कूल की हालत ख़राब थी लेकिन उन्होंने जल्द ही इस रेजिडेंशियल स्कूल का नक्शा बदल दिया और सफलता की गाथा लिख दी यह आर एस प्रवीण की मेहनत और दूरदर्शिता का ही नतीजा रहा है कि रेजिडेंशियल स्कूल की सफलता को समझने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शोध हुआ आपको बता दें कि तेलंगाना में दलित समाज की आबादी 18 फीसदी है जो कि एक बड़ा समाज है यही वजह है कि उनको लुभाने के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पिछले दिनों तमाम घोषणाएँ की प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में निश्चित तौर पर आर एस प्रवीण कुमार द्वारा बसपा में आने की खबर से प्रदेश में पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी इसकी एक वजह यह भी है कि सोशल वेलफेयर एंड रेजिडेंशियल स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने जिस तरह से प्रदेश के हाशिए के समाज के लाखों बच्चों की जिंदगी बदल दी और उन्हें ऊंचा उठाने का सपना दिखाया वो बड़ा समाज हमेशा डॉक्टर आर एस प्रवीण के साथ खड़ा रहा है निश्चित तौर पर यह बड़ा समूह आर एस प्रवीण के साथ बसपा के पाले में आ सकता है अभी के लिए सिर्फ इतना ही बने रहिए हमारे साथ नमस्कार